राधिका मर्चेंट निश्चित रूप से इस साल की सबसे खूबसूरत दुल्हन है। उन्होंने कई सालों की डेटिंग के बाद 12 जुलाई 2024 को अपने सपनों के राजकुमार अनंत अंबानी से शादी रचाई। इसके अलावा अपने वेडिंग लुक से राधिका ने सभी दुल्हनों के लिए एक ट्रेंड सेट कर दिया है। उनका हल्दी लुक कुछ ऐसा था जिसने हमें सरप्राइज कर दिया। उनके फ्लोरल ज्वेलरी से लेकर उनके फ्लोरल दुपट्टा तक सब कुछ बेहतरीन था और इसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाल ही में हमें दिल्ली के एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो मिला है जिसने राधिका मर्चेंट की हल्दी लुक को फिर से क्रिएट किया है और वो भी कम बजट में। इन्फ्लुएंसर आरुषि फावा ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने राधिका का फ्लोरल दुपट्टा बनाया जिसे अंबानी की छोटी बहू ने अपनी हल्दी सेरेमनी के दौरान पहना था। आरुषि ने बताया कि कैसे वो कई दुकानों पर गई और फ्लोरल मार्केट में राधिका द्वारा पहने गए दुपट्टे के समान दुपट्टा मांगा, लेकिन इसकी कीमत 15,000 रुपए थी, इसीलिए उन्होंने इसे खुद बनाने का फैसला किया। आरुषि ने कई फूलों की डोरी बनाई और उन्हें दुपट्टा बनाने के लिए जिगजैग पैटर्न में बांधा। आरुषि ने राधिका के दुपट्टे की तरह बॉर्डर में मैरीगोल्ड फूल जड़कर इसे पूरी तरह से मैचिंग बना दिया। स्ट्रैपी चोली और सीक्वन एंड फ्लोरल चोली से हाईलाइट किए गए ट्यूल लहंगे के साथ आरुषि ने अपने लुक को कंप्लीट किया। इन्फ्लुएंसर ने बताया कि दुपट्टा बनाने में उन्हें 10 से 12 घंटे लगे और इसकी लागत 2,000 रुपए आई। राधिका मर्चेंट ने अपनी हल्दी फंक्शन के लिए अनामिका खन्ना के कलेक्शन से एक शानदार आउटफिट चुना था। इस दिन उन्होंने येलो कलर का लहंगा और मैचिंग चोली पहनी थी। इसके अलावा ये उनका फ्लोरल दुपट्टा था जिसने उनके पूरे लुक में एक नया मोड़ ला दिया और ये निश्चित रूप से सुंदरता को समेटे हुए था। फिलहाल हम इस बात से हैरान हैं कि दिल्ली की इन्फ्लुएंसर ने कैसे इतने कम बजट में राधिका मर्चेंट के हल्दी लुक को फिर से क्रिएट किया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।